न्यास मार्ग में ऐसे रहना अच्छा लगता था, जहां जिसका कोई शिकार हो तो रात्रि में उस खंडहर में जाकर के लेते। वहां के लोगों ने रोका आश्रम वाले को, वहां मत जाइए। तो हम सोचा आश्रम के कई लोग यहाँ लेटते हैं तो बातचीत करेंगे, इसलिए एकांत ये ही गए। तो अंदर मंत्र चल रहा था और एक छोटी सी टार्च सिराने, छोटी सी घड़ी दुप दुप वाली, क्योंकि उसे पता चले ना तो मतलब टाइम का, तो ऐसे रख के वैसे से थोड़ा ही लेटे। तो उस समय जटाएं बड़ी बड़ी थी, वैसे उनको तकिया की तरह जटा रखे, तो ऐसा लगा जैसे कोई हमें बहुत जोर से दबाने की चेष्टा कर रहा है। तो ऐसे देखा तो मुझे स्पर्श जैसा भी हुआ कि जैसे कोई कड़ा हाथों में एकदम, ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम मंत्र जप रहे हैं तो कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अशुभ आत्मा के छुए? तो डार चले आप बाहर निकले, कोई नहीं। मुझे लगा कि मेरी मानसिक बिगड़े बुद्धि हमको भयभीत करना चाहती, नहीं मैं नहीं मान। एक मन ने कहा यहां से हटके वहां जाऊंगा, जिद्दी से वहां कर नहीं, देखो कैसा क्या। फिर वही जाके सोए, थोड़ी ही देर में फिर स्पष्ट अनुभव हुआ कैसे। तो हम बैठ गए तत्काल मंत्र जपते हुए, फिर हम कहा यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार विक्षेप डाले। मंदिर में गए उन लोगों से, बोले आप जानते कि वहां है, आप क्यों गए ऐसा? एक बार ऐसा हुआ